जिस प्रकार से मानव का क्रमिक विकास हुआ है, उसी प्रकार मानव सभ्यता और मानव संस्कृति का क्रमिक विकास हुआ है। अब जब मानव का क्रमिक विकास हुआ है, तो उसकी भाषा और लिपि का भी क्रमिक विकास हुआ है। मानव सभ्यता का पहला साक्ष्य पाषाण काल में मिला, लेकिन उस सभ्यता की किसी भी भाषा लिपि का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। पाषाण काल के बाद की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है, उस सभ्यता की भी क्या भाषा थी वह किसी को नहीं पता है, लेकिन उस सभ्यता की लिपि क्या थी वह आज सभी को पता है, जो पठनीय नहीं होने की वजह से पढ़ी नहीं गई है। इस वजह से उस समय की जानकारी आज किसी को नहीं है। दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जो सभ्यता और संस्कृति मिली है, उस सभ्यता की लिपि पठनीय है और इस वजह से पता चलता है कि वह सभ्यता सम्यक संस्कृति की थी। सम्यक संस्कृति के समय यहाँ की भाषा पाली प्राकृत और लिपि का नाम धम्म लिपि था, जिसका साहित्यिक नाम बामी लिपि है। लेकिन सम्यक संस्कृति के समय कुछ विदेशी शासकों का भी यहाँ आना हुआ था, जो सम्यक संस्कृति में दूध और पानी के समान विलीन हो गए थे। वैसे विदेशी शासकों के वंशजों को आज खोजना पानी में दूध खोजने के समान ही कहा जा सकता है। वे सभी विदेशी शासक जब यहाँ की सत्ता व्यवस्था पर बैठे थे, तो यहाँ की सम्यक पाली प्राकृत भाषा को कुछ नए शब्द दिए थे। ऐसा होना एक स्वाभाविक क्रिया भी माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो उत्तर भारत की हिंदी भाषा बोलने वाला है और दक्षिण भारत के किसी गैर हिंदी भाषी वाले क्षेत्रों में किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाता है, उसके बाद उस कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारी मैनेजर के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे हिंदी भाषी मैनेजर और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों के बीच निरंतर वार्तालाप जारी हो जाता है। अब बहुसंख्यक कर्मचारियों की भाषा का सबसे ज़्यादा प्रभाव अकेला मैनेजर पर पड़ता है, तो अकेला मैनेजर भी सभी कर्मचारियों को बार बार मार्गदर्शन देने के कारण उसकी भाषा द्वारा कुछ प्रभाव सभी कर्मचारियों पर भी पड़ता है। यह एक सामान्य क्रिया व प्रतिक्रिया है। आज ब्रह्मवंशी लेखक उन्हीं नए शब्दों को पकड़कर संस्कृत बनाने पर तुले हुए हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। दोस्तों, आज ब्रह्मवंशी लेखकों द्वारा पुस्तकों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि रुद्र दमन के बाद बामी लिपि में जितने अभिलेख लिखे गए हैं, उनमें कुछ शब्द पिजिन के हैं। इस वजह से वे सभी अभिलेख पिजिन संस्कृति के हैं। धूर्तों द्वारा शब्दों की ऐसी व्याख्या की जाती है कि साधारण लोग दिग्भ्रमित हो ही जाते हैं। पिजिन का अर्थ मिश्रित होता है और संक्रमित का अर्थ भी मिश्रित होता है। अब यहाँ ध्यान दिया जाए कि पाली का शब्द झान बोध जैसा कई शब्द पड़ोसी देशों में पिजिन यानी कि मिश्रित होकर आज भी प्रचलित है। फिर तो इस उदाहरण के साथ पड़ोसी देशों की भाषा को भी आज पिजिन संस्कृत कहना उपयुक्त होगा। अब ठीक उसी प्रकार भारत की भाषा के लिट्टी चोखा जैसे कई शब्द यूरोपीय देशों में पिजिन यानी कि मिश्रित हुए, फिर यूरोप की भाषा को भी पिजिन संस्कृत कहना कहाँ तक उपयुक्त होगा वह आप लोग खुद तय करें। एक बात और, किसी देश का कोई शब्द किसी देश की भाषा में पिजिन यानी कि मिश्रित हो सकता है, लेकिन उस पिजिन शब्द के आधार पर वह कोई भाषा का स्वरूप ले ले यह कहना सरासर गलत है। यह बात सिर्फ ब्रह्मवंशी ही कह सकता है, क्योंकि उसको तो अपने काल्पनिक पूर्वजों को पूर्वकालिक स्थापित जो करना है, इस वजह से वह मौके की ताक में रहता है और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर अपने पुरखों को स्थापित करने के लिए कुछ भी गपोड़ देता है। ऐसी गपोड़ता पर सजग और सचेत रहना होगा, क्योंकि एक समय यूरोपीय साम्राज्य का समूचे पृथ्वी पर शासन था, जिस वजह से यूरोप की भाषा के बहुत सारे शब्दों का संक्रमण विश्व के कई देशों की मुख्य भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में भी हुआ था, जैसे टिकट ट्रेन शर्ट पैंट लिपस्टिक ग्लास इत्यादि। फिर इन शब्दों के पिजिन यानी कि मिश्रण होने से उन सभी देश की भाषा को आज संस्कृत कहना कितना उपयुक्त मानना चाहिए। अब इसको इस प्रकार से भी देख व समझ सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के भाषाई लोग जब आपस में एक साथ वार्तालाप करते हैं,
तो उन सभी की बोली, भाषा, स्वर का आपस में संक्रमण होता है, जिस वजह से उन सभी की बोली भाषा का संक्रमण होकर एक नई संक्रमित भाषा स्वर का उदय होता है। अब क्या इस नई भाषा स्वर को संस्कृत कहेंगे? जैसे उदाहरण द्वारा समझें, मुंबई शहर में विभिन्न प्रदेशों के भाषा बोली बोलने वाले लोगों का रहना होता है, जिस वजह से उन सभी लोगों की बोली भाषा संक्रमित होकर मराठी से अलग मुंबई की भाषा बन गई है। अब क्या मुंबई की बम्बैया बोली को संस्कृत बोलेंगे? यह आप लोग खुद तय करें। उसी प्रकार गुलाम वंश से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक विदेशी शासक लोगों का यहाँ आना हुआ है, और उन शासकों के आने के बाद सभी की बोली भाषा यहाँ संक्रमित होकर एक नई संक्रमित भाषा जैसे उर्दू, इंग्लिश बनी है। अब इस भाषा को क्या नाम देंगे, आप लोग खुद तय करें। दोस्तों, उसी प्रकार पूर्व के भारत में भी शक, कुषाण, पहलव, हूण जैसे विदेशी शासक या अन्य लोग भारतीय भूभाग पर आए और यहाँ आकर प्रमुख पदों पर आसीन भी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप उन सभी की बोली भाषा और यहाँ की बोली भाषा का निश्चित ही संक्रमण हुआ है। लेकिन उस संक्रमित भाषा को संस्कृत भाषा कहना किस दृष्टिकोण से उपयुक्त होगा, यह आप लोग खुद तय करें। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत का अर्थ ही होता है संस्कारित करके पुराने शब्दों का नया स्वरूप बनाना। जैसे पूर्व के पाली नाम बेगमादत्तय, चतगुपत, दिमित को संस्कारित करते हुए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, दिमित्र जैसा शब्द नाम बनाना। अब यहाँ आप जो बेगमादत्तय देख रहे हैं, यह पूर्व का पाली नाम है, लेकिन उसी बेगमादत्तय को संस्कारित करके विक्रमादित्य बना दिए तो यह नाम संस्कृत का बन गया। इसको संक्रमण नहीं कहकर संस्कार करना यानी कि संस्कृत बनना कहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सम्यक संस्कृति के बाद जब भ्रमिक संस्कृति का रूपांतरण होता है तो उसके बाद भी भारत के कई क्षेत्रों पर कई विदेशी शासकों का आगमन होता है, जो आज भी भारत की ब्राह्मणी संस्कृति में तेल और पानी की तरह अलग है, यानी कि घुलता नहीं है, जिसे आज कोई भी आसानी से पहचान सकता है। अब ये सभी नए विदेशी शासक जब भारत की सत्ता व्यवस्था पर बैठे थे तो उस समय के सभी क्षेत्रीय भाषा सहित हिंदी, संस्कृत भाषा को भी बहुत कुछ नए विदेशी शब्द दिए थे, जो आज हिंदी, संस्कृत सहित सभी क्षेत्रीय भाषा में विलीन हो गए हैं। अब आज की भाषा में वैसे उर्दू, फारसी, तुर्क, पुर्तगाली, अफगानी, मुगलई और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के कुछ शब्दों के मिलने पर इसको कौन सी भाषा का नाम देना पसंद करेंगे? चलिए इन शब्दों को गौर से पढ़ते हैं। जैसे कागज, सफ़ेद, चूड़ी, जलेबी, टिकट, पैंट, काबुली, पैजामा, लिपस्टिक, ग्लास इत्यादि। अब इन शब्दों को देखकर आप क्या कहेंगे कि हिंदी, संस्कृत जैसे शब्द उर्दू, फारसी, तुर्क, पुर्तगाली, अफगानी, मुगलई और अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं? कदापि नहीं। हाँ, इसे यह भी कह सकते हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी, मुगल और अंग्रेजी शासकों के आने और लंबे समय तक सत्ता व्यवस्था में बने रहने की वजह से यहाँ की हिंदी, संस्कृत जैसी भाषा में कुछ विदेशी शब्दों का संक्रमण हुआ था। उसी के जैसा पूर्व काल में भी विदेशी शासकों के सत्ता में रहने की वजह से पाली, प्राकृत जैसी शुद्ध भाषा में भी कुछ विदेशी शासकों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन उसने अपने शुद्ध रूप को खोया नहीं था। वह प्रकृत के मूल से निकली हुई भाषा है, जबकि संस्कृत का मूल ही संक्रमण से बना है। संस्कृत का अर्थ होता ही है किसी संस्कार द्वारा बनने वाली भाषा, यानी संस्कारित होना। कोई संस्कारित तब होता है जब वह बाहरी ज्ञान से संक्रमित होता है, लेकिन प्राकृत भाषा का अर्थ ही है प्राकृत के गोद से निकलने वाली भाषा, जिसे लोगों ने पाला पोसा और बड़ा किया, इसलिए इसे पाली भाषा भी कहते हैं।